आप सबको स्वागत है। आज हम 8 अप्रैल के ईश्वर वरदान में हैं। परमात्मा कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो और आप औरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति एक नजर से दे सकते हो। मतलब कि कहा जाता है कि आंखें जो होती हैं वो आत्मा का द्वार होती हैं। तो आत्मा के अंदर जो स्मृति चल रही होती है वही उसकी आंखों से दर्शाई जाती है या दर्शित हो जाती है। तो क्या हम अपने अंदर पवित्रता, सादगी, रूहानियत सोच रहे हैं जिससे कि औरों को भी वैसा महसूस हो, या तो फिर हम अपने अंदर अहंकार, घृणा, नफरत सोच रहे हैं जिससे कि लोगों को वही महसूस होगा। तो हम क्या वाइब्रेशंस वाइब्रेट कर रहे हैं, जिससे कि आप अगर प्योर डिवाइन वाइब्रेशंस, पवित्र वाइब्रेशंस वाइब्रेट करते हो तो आप किसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हो सिर्फ एक झलक से। इतनी ताकत हमारे ब्रह्म कुमारी में दादियां दीदियां रखती है और रखती थी भी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये महसूस तो आपको भी हो तो आप भी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में जाएं। वहां पर ऐसी बहुत सारी तपस्वी आत्माएं हैं, उनसे मिलें, जहां पर जाकर के आपको जो पाना था सो पा लिया जैसे महसूस होगा। लेकिन आज का वरदान क्या है इसमें हम थोड़ी गहराई में चलते हैं। परमात्मा कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। परमात्मा हो गए सतगुरु, ट्रू गाइड और गुरु, एंड हम उनके बच्चे हो गए मास्टर। छोटा बच्चा को मास्टर कहते हैं, मास्टर सतगुरु। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, जैसे कि हम क्या करते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के बाद में, उसको अपने जीवन में जितना उसके धारण करने के बाद में हम और के साथ में शेयर करते हैं नॉलेज को, तो हम क्या बन जाते हैं उस समय, मास्टर शिक्षक। परमात्मा हो गए मेन शिक्षक, सुप्रीम टीचर, और हम हो जाते हैं मास्टर। लेकिन अभी सदगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। वो कैसे, मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले। अब जब हम परमात्मा के हर वचन को फॉलो करेंगे और उस खान पान से लेकर के उठना बैठना, सोना, सारी चीजें, बातचीत करना और अपने अंदर इस दुनिया में क्या इच्छाएं रखनी, क्या इच्छाएं ना रखना, ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो शक्ति ताकत आ जाती है जिससे कि हम औरों को वो महसूस करा पाते हैं अपने जीवन से, बोलने से नहीं, जीवन से, जिसकी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ एंड बहुत सारी आत्माएं कर रही हैं। कुछ आत्माएं उधर तक पहुंच रही हैं, पहुंच गई हैं और मेरी मेहनत बरकरार है, जितना हो सके कर रहे हैं। और यही चीज सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारी इसमें कि आप भी आकर के ये चीज कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है जो कि गृहस्थ जीवन में रह रहा हो, जो कि एक नॉर्मल इंसान, नौकरी करने वाला, कामकाज करने वाला, घर संभालने वाला कर रहा हो, वो भी ये कर सकता है। परमात्मा ने इतना सिंपल बना दिया एक सदगुरु बनकर के। सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले ऐसे मास्टर सदगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि आप या तो अपने एक्शन से उदाहरण बन करके, उदाहरण स्वरूप बन करके औरों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, या तो फिर आप बोल करके। लेकिन आजकल इंसान बोल करके सुनने में थोड़ा थक गया है। इंसान अब चाहता है कि सत्यता को, या जैसे कि कोई गुण है उसको, नम्रता को, पवित्रता को, सादगी को, इन चीजों को दिखाया जाए कर्मों के द्वारा, ना कि सिर्फ बोला जाए इनके बारे में। बिकॉज सारे धर्म इन चीजों के बारे में बोलते हैं लेकिन बहुत ही कम आत्माएं हैं जो कि इन चीजों पर चलती हैं। तो परमात्मा वही कह रहे हैं कि आप अगर उन चीजों पर जो मैं सिखाता हूं चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बिना बोले ही कोई आत्मा आपसे मिलेगी तो वो नजरों से निहाल हो जाएगी और उसको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ये पॉसिबल है, बहुत सारी आत्माएं महसूस कर चुकी हैं इनको ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में जाकर के, दादियों से मिलकर के, बड़े वरिष्ठ भाई बहनों से मिलकर के जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। आप भी जाइए और ये फल जरूर ले। एक तीरथ का जो कि माउंट आबू है राजस्थान में, ब्रह्म कुमारीज का हेडक्वार्टर्स। ओम शांति के साथ।